दोस्तों आज से 35 साल पहले साल 1987 में रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रामानंद सागर जी की रामायण को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था तो इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और रामायण में किरदार निभाने वाले सभी कलाकारों को जनता ने खूब सराहा था। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को एक भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आपने भी एक बात पर गौर फरमाया होगा कि रामायण में जितने भी कलाकारों ने काम किया उनमें से ज्यादातर किसी भी कलाकार ने रामायण में काम करने के बाद दोबारा कभी फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा। और आज भी अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल बना रहता है कि रामायण में काम करने वाले सभी कलाकार आखिर कहाँ गए और आज वो किस हाल में है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रामायण में काम करने वाले सभी कलाकारों का बाद में क्या हुआ तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी की। दोस्तों सुनील लहरी जी का कहना है कि जो उन्हें पहचान रामायण के लक्ष्मण जी के किरदार से मिली थी वो पहचान आज तक उन्हें किसी भी फिल्म या टीवी शो में काम करने से नहीं मिली। लेकिन रामायण में काम करने के बाद उन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि रामायण में काम करने के बाद ही अचानक सुनील लहरी जी के पिता की मृत्यु हो गई और इसी वजह से उन्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि रामायण में काम करने के बाद भी उन्होंने फिर आई बरसात और बहारों की मंजिल जैसी कई फिल्मों में काम किया लेकिन जो पहचान उन्हें रामायण से मिली थी वो पहचान उन्हें दोबारा किसी और फिल्म से नहीं मिली। इसलिए सुनील लहरी जी ने फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिलहाल सुनील लहरी जी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और अपना एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत की। रामायण में रावण के पुत्र इंद्रजीत का किरदार निभाने वाले विजय अरोड़ा को भी लोगों ने खूब पसंद किया और उन्हें इस किरदार से इतनी ज्यादा पहचान मिली कि रामायण में काम करने के बाद उन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में ऑफर आने लगे थे जिसके बाद उन्होंने वक्त जाया ना करते हुए यादव की बारात जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें इन फिल्मों में वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें रामायण में मिली थी। 2 फरवरी साल 2007 में पेट के कैंसर के होने की वजह से विजय अरोड़ा ने 62 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं सबके पसंदीदा भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक्टर दारा सिंह जी की। दारा सिंह जी की शारीरिक कद काठी अच्छी होने की वजह से लोग उन्हें हनुमान जी के किरदार में काफी पसंद करते हैं और जब वो रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात हनुमान जी ही पर्दे पर उतर आए हों। दारा सिंह जी की एक ऐसी बात जो हमेशा ही चर्चा में रही वो ये कि दारा सिंह आज तक एकमात्र ऐसे पहलवान हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारी थी। आपको बता दें कि दारा सिंह जी ने अपने जीवन में करीबन 500 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी और 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया लेकिन जितना प्यार उन्हें किसी और फिल्म या कहीं और से नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा प्यार लोगों ने उन्हें हनुमान जी के रूप में दिया। आपको बता दें कि दारा सिंह जी पंजाब के अमृतसर से बिलोंग करते थे और वो एक पंजाबी थे जिस वजह से उन्हें ज्यादा हिंदी बोलने नहीं आती थी। दारा सिंह जी को जब रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने को कहा गया तो उन्हें इस बात का डर लगा था कि वो इस शो में हिंदी सही से बोल पाएंगे या नहीं लेकिन जब दारा सिंह जी हनुमान जी के किरदार के लिए पर्दे पर उतर आए तो उनकी अदाओं ने सभी को हनुमान जी का दीवाना बना दिया। आपको बता दें कि जब दारा सिंह जी ने रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई थी तो उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। दोस्तों एक ऐसी बात जो शायद ही आप में से किसी को पता हो वो ये कि जब दारा सिंह रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाते थे तो दिन भर कुछ नहीं खाते थे बल्कि सिर्फ 100 बादाम और 3 नारियल पानी पीकर ही दिन भर काम किया करते थे। 12 जुलाई सन 2012 को अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं रामायण का सबसे अहम किरदार निभाने वाले रावण की। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार अरविंद त्रिवेदी को भला कोई कैसे भूल सकता है जिन्होंने रावण के किरदार को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोस्तों रामानंद सागर जी की रामायण में लोगों ने जितना ज्यादा भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को पसंद किया था उतना ही ज्यादा लोगों ने रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी को भी पसंद किया था। शुरुआत में तो अरविंद त्रिवेदी जी को रावण का किरदार नहीं मिल रहा था और उन्हें केवट का किरदार दिया जा रहा था लेकिन बाद में जब उन्हें रावण का किरदार मिला तो उन्होंने इसे बखूबी निभाया और रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी को इतनी पहचान मिली जो कि उन्हें कभी किसी और फिल्म से नहीं मिल पाई थी। दोस्तों अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में एक ऐसी बात जो शायद आप भी नहीं जानते हो वो ये कि रामायण में रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी को कोई उनके असल नाम से नहीं बुलाता था बल्कि सभी उन्हें लंकेश के नाम से ही बुलाया करते थे और साथ ही साथ उनके बच्चे को रावण के बच्चे और पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाया करते थे। 6 अक्टूबर साल 2021 को हार्ट अटैक पड़ने की वजह से अरविंद त्रिवेदी भी इस दुनिया को अलविदा कह गए।
दोस्तों अब बारी आती है रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी की। आपको बता दें कि अरुण गोविल जी ने भी काफी लंबे समय तक कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वो असल पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें रामानंद सागर जी की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने पर मिली। और आज वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रामानंद सागर की पहली पसंद अरुण गोविल नहीं थे, लेकिन अरुण गोविल भी रामायण में कोई और किरदार निभाना नहीं चाहते थे। आपको बता दें कि अरुण गोविल जी ने रामायण में काम करने से पहले भी रामानंद सागर जी के एक टीवी शो विक्रम बैताल में विक्रम का किरदार निभाया था। दोस्तों अरुण गोविल जी के बारे में एक बात ऐसी है जो आप में से शायद किसी को नहीं पता होगी। एक बार की बात है जब अरुण गोविल रामायण की शूटिंग खत्म करने के बाद सिगरेट पी रहे थे। उन्हें सिगरेट पीते हुए देखकर एक आदमी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उन्हें दूसरी भाषा में भला बुरा कहने लगा। लेकिन जब अरुण गोविल जी को ये बात पता चली कि वो आदमी ये कहकर गया है कि हम जिन्हें भगवान मानते हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, तो उसके बाद अरुण गोविल ने सिगरेट बुझाकर उसे कभी जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं लगाया। हालांकि अरुण गोविल जी ने काफी सालों से किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और अब उन्होंने फिल्मी दुनिया से काफी दूरियां बना ली हैं। फिलहाल अरुण गोविल जी की एक टीवी कंपनी है जो कि दूरदर्शन चैनल के लिए कार्यक्रम बनाती है। अरुण गोविल जी का कहना है कि रामायण में काम करने के बाद उन्हें कभी कोई और फिल्म या शो पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कर लिया। दोस्तों जब बात रामायण की हो तो माता सीता को कैसे भला भूला जा सकता है। आपको बता दें कि दीपिका चिखलिया ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया था और लोगों ने माता सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया जी को इतना ज्यादा पसंद किया कि आज भी कई लोग उन्हें देखते ही उनकी पूजा करने लगते हैं। आपको बता दें कि रामायण में माता सीता के किरदार के लिए दीपिका चिखलिया रामानंद सागर जी की पहली पसंद नहीं थी। रामायण में माता सीता के किरदार के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया था, लेकिन जूही चावला ने रामानंद सागर जी की रामायण में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रामानंद सागर जी इस रामायण को बना रहे थे तो सभी बड़े कलाकारों को ऐसा लगता था कि रामानंद सागर जी की रामायण में काम करना उनके लिए एक घाटे का सौदा साबित होगा, इसलिए जूही चावला जैसे कई बड़े कलाकारों ने भी रामायण में काम करने से मना कर दिया था। और इसके बाद रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के लिए दीपिका चिलिखिया को चुना गया। आपको बता दें कि दीपिका चिलिखिया ने रामायण से पहले अलग अलग भाषाओं में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें भी रामानंद सागर जी की रामायण में काम करने से पहले असली पहचान नहीं मिल पाई थी। दीपिका चिलिखिया जी ने रामायण में काम करने से पहले विक्रम बैताल शो में भी काम किया था, लेकिन विक्रम बैताल में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया और आज दीपिका चिलिखिया भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दोस्तों दीपिका चिलिखिया जी के रामायण में काम करने के बाद लोग उन्हें असल जिंदगी में भी माता सीता मानने लगे थे, लेकिन रामायण के बाद उन्हें कभी उनके लायक कोई फिल्म मिली ही नहीं और उन्होंने भी फिल्मी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कर लिया। रामायण में काम करने के बाद दीपिका चिलिखिया ने एक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली थी, जिनकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है, और फिलहाल दीपिका चिलिखिया अपने पति का काम काज ही संभालती हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इन सब में से रामायण में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।